भाइयों और बहनों जलियावाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों बलिदानियों सेनानियों हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया 13 अप्रैल 1919 के वो दस मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा चीन गाथा बन गए जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियावाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियावाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला है आज जो रेनोवेशन का काम हुआ है उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है यहां जो अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है वो सब हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं जलियावाला बाग नरसंहार से पहले इस स्थान पर पवित्र वैशाखी के मेले लगते थे इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वदा भला की भावना के साथ खालसा पंथ की स्थापना की थी आजादी के पचहत्तरवें साल में जलियावाला बाग का ये नया स्वरूप देशवासियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा यह स्थान नई पीढ़ी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है कितना त्याग कितना बलिदान अनगिनत संघर्ष राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वोपरि रखना चाहिए इसकी भी प्रेरणा नई ऊर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।